हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हु वाज द मोस्ट फेमस एमएनए इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात, डॉन ऑफ गुजरात। सो लाइक रिसेंटली हम काफी सारे ऐसे डॉन्स की वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान के डॉन्स की, एंड लोग हमें और लोगों की बता रहे हैं। लाइक फैसलाबाद का डॉन होता है, पंजाब का डॉन है, इस तरीके से डॉन है। एंड लाइक उनकी जो पूरी हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा एक खतरनाक और क्रूअल हिस्ट्री है। एंड काफी सारे ऐसे हैं जो सर्वाइव भी कर गए हैं। लाइक जैसे पिछला हमने एक वीडियो देखी थी, वो गुजरन वाले जो थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने इतना सब कुछ किया था, एंड अब थोड़ी सी वो जेल की सजा गुजार के अब वो कहीं ना कहीं नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं, बिकॉज इतना खून खराबा करने के बाद आपको तो मतलब होता है ना, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये वैसा काइंड ऑफ हो गया। तो अब देखते हैं फिर यहाँ पे कैसा होगा, ये वाले डॉन कैसे हैं, और गुजरात के मोस्ट पावरफुल मोस्ट फेमस एमएनए मेरे ख्याल से है, जो जैसे हमारे एमएलए होते हैं मेरे ख्याल से वहाँ पे एमएनए होते होंगे। तो देखते हैं फिर ये वीडियो में कैसा होगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक अगर वो पॉलिटिक्स वाली बात है तो मुझे ऐसा है कि जो तुम्हारे लीडर्स हैं वो इसलिए बनते हैं ताकि तुम्हारी वो जनता की टेक केयर कर सके और राइट्स वगैरह उनके ना खाए, और मतलब बेसिकली जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पीस लाए, ना कि ऐसे तुम्हारा हड़गम बचाए। अगर ऐसे एमएलए हो यार तो फिर जीना मुश्किल है। लाइक इंडिया में ये सीन नहीं है, यहाँ के मोस्टली ऑफ इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अगर होगी तो मेरे हिसाब से यूपी साइड होगी, लेकिन बाकी इंडिया में ये चीज़ नहीं है। और हमने जैसी पुरानी वीडियोस देखी थी वो लिटरली बहुत ही शॉकिंग थी, और बहुत ही लाइक कहते हैं ना वो दिल दहला देने वाली वीडियो, कि लाइक ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, वो वीडियो थी। तो मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि लाइक कि कैसे डॉन है, इनके पास क्या पावर है, ये वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स। जिला गुजरात के शहर लाला मूसा के मुल्हिका गांव कुल्लेवाल सैदा से तल्लुक रखने वाले सैयद मंजूर हुसैन शाह। सैयद कराने से तल्लुक रखने वाले मंजूर हुसैन अपनी जिंदगी में 3 दफा एमएनए मुंतखब हुए। दोस्तों, इनके वालिद का नाम सैयद बहार हुसैन शाह था, जो कि एक जमींदार आदमी थे। और आपको बताते चले कि सैयद मंजूर हुसैन शाह 5 भाई थे, जिनमें साबिक नायब नाजम जिला गुजरात और साबिक चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा सैयद नूरुल हसन शाह कुल्लेवाल सैदा, जिला गुजरात के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन सैयद मोहसिन अली शाह कुल्लेवाल सैदा, गुजरात की असर और सूख रखने वाली और ताकतवर तरीन शख्सियत सैयद नासिर अब्बास शाह कुल्लेवाल सैदा, मशहूर सियासतदान और साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल कुल्लेवाल सैदा सैयद मदद अली शाह, और इलेक्शन 2018 में गुजरात से मुंतखब होने वाले एमएनए सैयद फैजुल हसन शाह कुल्लेवाल सैदा शामिल हैं। दोस्तों, इस खानदान का शुमार जिला गुजरात के ताकतवर तरीन खानदानों में होता है। बहुत पावरफुल फैमिली लग रही है। दुहाई में सैयद मंजूर हुसैन शाह गुजरात के एक बैंक में कैशियर के तौर पर काम करते थे। अपने इलाके के एक गरीब शख्स को इन्होंने एक तांगा खरीद कर दिया हुआ था, ताकि वो अपना रोजगार चलाकर बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इन्हीं वक्तों में लाला मूसा का एक बहुत मशहूर चौधरी, जिसने इस जमाने में भी अपने जाती इस्तेमाल के लिए कार रखी हुई थी, ये चौधरी साहब बहुत बड़े कारोबारी शख्स थे और एक शाम को अपने कार में गाड़ी पर वापिस आ रहे थे। एक कच्चे रस्ते पर सैयद मंजूर हुसैन शाह का तांगा चलाने वाला शख्स और इन चौधरी साहब की गाड़ी आमने सामने आ खड़ी हुई। चौधरी साहब ने गुस्से से गाली देते हुए तांगे वाले को तांगा रस्ते से हटाने को कहा। तांगे वाले गरीब आदमी ने चौधरी साहब से कहा कि बराए मेहरबानी गाली ना दें, ये तांगा सैयद मंजूर हुसैन शाह का है। चौधरी साहब ने जवाबन तंजिया कहा कि हाँ, वही मंजूर हुसैन शाह जो बैंक में मेरे नोटों को गिन गिन कर रखता है। जब इस सारे वाकया का इलम रात को सैयद मंजूर हुसैन शाह को हुआ, तो वो घोड़े पर सवार होकर उस चौधरी के घर चले गए। चौधरी साहब से मुलाकात के दौरान इन दोनों की आपस में तल्ख कलामी हो गई। दोस्तों, जब इस चौधरी ने सैयद मंजूर हुसैन शाह की मजीद बेइज्जती करने की कोशिश की, तो सैयद मंजूर हुसैन ने बंदूक से फायरिंग करके इस चौधरी को मौका पर ही कत्ल कर दिया। सैयद मंजूर हुसैन ग्रुप की दुश्मनी का आगाज हुआ था, और ये दुश्मनी देखते ही देखते 4 ग्रुपों के दरमियान शुरू हो गई। दोस्तों, जराये के मुताबिक इस बड़ी दुश्मनी के आगाज से अंजाम तक जिला गुजरात में तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए थे। ओह माय गॉड। सन 1965 में सैयद मंजूर हुसैन शाह ने अपने गांव कुल्लेवाल सैदा से जनरल काउंसिल का इलेक्शन, बहुत गलत चीज है, काउंसिल मुंतखब होने के साथ साथ मुकदमात का सामना भी करते रहे और सियासी जद्दोजहद और कोशिशें भी जारी रखी। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चले कि सैयद मंजूर हुसैन शाह ने उस जमाने में अपनी सैयद बिरादरी के गुजरात और लाला मूसा के तमाम खानदान इकट्ठे कर दिए। अपनी सैयद बिरादरी को मुतहिद करने के नतीजे में इन्हें इतनी जबरदस्त हमायत हासिल हुई कि उस जमाने में गुजरात के सैयद बिरादरी के तकरीबन 200 अफराद उनके पीछे बंदूकें उठाकर खड़े होते थे। उन वक्तों में सिर्फ सैयद बिरादरी के 200 गन मैच सैयद मंजूर हुसैन के साथ हुआ करते थे।
दूसरी तरफ चौधरी ग्रुप के साथ दुश्मनी जारी रखी, जिसमें दोनों ग्रुपों के कई अफराद कत्ल होते रहे। अंथक मेहनत, मुसलसल जद्दोजहद और कोशिशों के नतीजे में सन 1985 में सैयद मंजूर हुसैन शाह जिला गुजरात में पहली दफा एमएनए मुंतखब। एक छोटी सी लड़ाई से इतना कुछ हो गया। ताकतवर था, लेकिन एमएनए बनने के बाद इनकी ताकत और असर और सूख में मजीद इजाफा हो गया। अब सैयद मंजूर हुसैन शाह ने अपनी जिंदगी का एक असूल बना लिया कि जिला गुजरात और दूसरे असला के जितने भी बा असर और ताकतवर लोग अगर किसी गरीब के साथ जुल्म करेंगे, किसी की जमीन पर कब्जा करें या किसी के पैसे खा जाएंगे, तो सैयद मंजूर हुसैन शाह उनसे जरूर टक्कर लेंगे। दोस्तों, मंजूर हुसैन शाह ने मोटिव अच्छा था, लेकिन काम तरीका ग्रुपों से कई लोगों की जमीनों पर कब्जे छुड़वा कर दिए थे, और ये ताकतवर लोगों को धमकी भी दिया करते कि अगर तुम लोगों ने गरीब लोगों के साथ जुल्म करना बंद नहीं कर, क्योंकि इन लोगों को सैयद ग्रुप की ताकत का बखूबी अंदाजा हो चुका था और वो लोग इनसे किसी सूरत में भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। सन 2000 की बात है कि जिला गुजरात के एक मौजूदा मशहूर और ताकतवर सियासतदान के छोटे भाई को सैयद ग्रुप ऑफ कुल्लेवाल सैदा की तरफ से डेरा से ही उठा लिया गया। इस सियासतदान के छोटे भाई ने सैयद ग्रुप की हमायत याफ्ता एक शख्स की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ था, और इसे सैयद मंजूर हुसैन शाह के छोटे भाई साबिक नाजम जिला गुजरात सैयद नूरुल हसन शाह ने उठवाया था। अगले ही दिन गुजरात के बड़े बड़े सियासतदान सैयद ग्रुप से माफी मांगकर इस शख्स को छुड़वा कर ले गए। दोस्तों, इसी तरह सन 2003 में लाला मूसा के एक करीबी गांव की गुज्जर बिरादरी से सैयद ग्रुप की दुश्मनी का आगाज हुआ। एमएनए सैयद मंजूर हुसैन के भतीजे सैयद वकार हैदर अल मारूफ कारी शाह का झगड़ा लेन देन की वजह से गुज्जर ग्रुप के साथ हुआ। लाला मूसा शहर में दिन दिहाड़े वकार हैदर अल मारूफ कारी शाह ने अपने गनमैनों के साथ मिलकर गुज्जर ग्रुप के 7 अफराद को कत्ल कर दिया। इन कत्ल होने वाले 7 अफराद में गुज्जर ग्रुप का सरबरा, उसके 2 जवान साला बेटे और 4 इनके गनमैन शामिल थे। दोस्तों, इन वक्तों में सैयद ग्रुप ऑफ गुजरात इतना ताकतवर था कि इन तमाम कत्लों के बाद भी पुलिस कारी शाह को गिरफ्तार ना कर सकी। पुलिस के तमाम हरबे नाकाम होने के बाद एसपी गुजरात सैयद मंजूर हुसैन के डेरे पर कारी शाह को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए, लेकिन एसपी गुजरात को भी पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद भी डेरे से नाकाम लौटना पड़ा, जिसके बाद डीपीओ गुजरात ने भी कारी शाह को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हरगिज़ ना कर सके। तकरीबन 2 साल तक सैयद ग्रुप और गुज्जर ग्रुप के दरमियान फायरिंग के तबादले होते रहे, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के दर्जनों अफराद कत्ल होने के साथ साथ कई लोग जख्मी भी हुए। बाद अज़ां सन 2007 में सैयद वकार हैदर अल मारूफ कारी शाह को इस्लामाबाद से आते हुए कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, सैयद मंजूर हुसैन शाह ग्रुप की ताकत का ये आलम था कि जीटी रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्टर अगर किसी से सुन लेते कि इस सवारी ने कुल्लेवाल सैदा स्टॉप पर उतरना है, तो वो उससे हर किस किराया नहीं लेते थे। यहाँ पर आपको बताते चले कि सैयद मंजूर हुसैन शाह ग्रुप सिर्फ एक शख्स पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि इनके सारे भाई, भतीजे, भांजे और फैमिली के तमाम अफराद ने अपने अपने अलग अलग डेरे बना रखे थे, और इस तरह से एक दूसरे के साथ जबरदस्त तावन के जरिए एक मजबूत नेटवर्क बना रखा था, जो कि आज भी काफी हद तक कायम है। दोस्तों, सैयद मंजूर हुसैन शाह के जिला गुजरात में कुल 18 डेरे थे, जिनमें से 10 के करीब डेरे आज भी अवाम के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। जिला गुजरात के अलावा मंडी बहाउद्दीन, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम और इस्लामाबाद तक मंजूर शाह ग्रुप के डेरे आबाद थे। इनमें होता क्या है डेरों के अंदर? दूसरे अजला के तमाम डेरे सैयद मंजूर हुसैन के कत्ल के बाद बंद कर दिए गए। दोस्तों, उन वक्तों में इस्लामाबाद से लाहौर तक चलने वाली तमाम किस्म की ट्रांसपोर्ट के अड्डे, रेत के ठेके, मवेशी मंडियां और हर किस्म के बस स्टॉप सैयद ग्रुप ऑफ गुजरात के पास हुआ करते थे, और ये ग्रुप किसी भी दूसरी शख्सियत या ग्रुप को ये ठेके हरगिज नहीं लेने देते थे। सन 1999 में जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत खत्म हुई, तो उन्होंने ट्रेन मार्च किया। सैयद मंजूर हुसैन शाह ने ये ट्रेन लाला मूसा स्टेशन पर रोकी और नवाज शरीफ का खूब इस्तकबाल किया। दोस्तों, उस वक्त सैयद ग्रुप के सैकड़ों गनमैनों और साथियों ने कलाशनकोफे आसमान की तरफ लहराकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया था। नवाज शरीफ ट्रेन से नीचे उतर आए और काफी देर तक सैयद मंजूर हुसैन के पास बैठे रहे और इनका खूब शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के मशहूर तज़िया निगार औरिया मकबूल जान ने भी अपने एक प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने इंकशाफ करते हुए बताया कि तब नवाज शरीफ ने मंजूर हुसैन शाह के कान में कहा था कि शाह जी, आपने बहुत अच्छा हमारा इस्तकबाल किया है, अगर साथ 2-4 धमाके भी हो जाते तो क्या ही बात थी। आपको और इस काम को मैं बता ही देता हूं। हां बिल्कुल, शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ये क्या था? मंजूर हुसैन शाह, अच्छा, कुल्लेवाल एक जगह है, मतलब गुजरात शहर के अंदर 2-3 बड़े बदमाश गांव हैं, उनमें से एक कुल्लेवाल भी। अब
منظور خان صاحب نواز شریف کا دوسری دفعہ کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے پہلی دفعہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ ایک ٹرین مارچ کر کے بالکل ٹرین مارچ کر خالی گولی جا رہا تھا لالا موسا پہ انہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک کراؤڈ جمع کیا تو بدماش آدمی تھا پر فوت ہو گیا اور انہوں نے بڑے کرشن کوف وغیرہ لہرائی ہیں سارا کچھ یہ وہ اور وہ بڑی دیر تک ٹرین روکے رکھی کھڑی رہی ٹرین وہاں ان لوگوں نے بڑا اگر تین چار دھماکے ہو جاتے نا تو جی منظور صاحب اور آخرکار سن 2005 میں مخالفین کے چار گروپوں نے مل کر سید منظور حسین شاہ کے رستے میں گھات لگائی اور 21 لوگوں نے ان کی گاڑیوں پر زوردار حملہ کر دیا۔ کلاشن کوف رائفلوں سے کیے جانے والا یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دوستوں ذرائع سے معلوم ہوا کہ سید منظور حسین شاہ اپنے 17 گن مینوں اور 5 قریبی ساتھیوں کے ہمراہ شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ اچانک ٹھیکریاں موڑ کے قریب گھات لگائے ہوئے 21 افراد نے کلاشن کوفوں سے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں سید منظور حسین شاہ 17 گن مینوں اور 5 ساتھیوں کے ہمراہ قتل ہو گئے۔ یاد رہے کہ مخالفین کے چار گروپوں نے مل کر کئی سالوں کی محنت اور کوششوں کے بعد سید منظور حسین گروپ کے ہی ایک نہایت قریبی ساتھی کو پیسوں کا لالچ دے کر خرید لیا تھا، جس کی مخبری کی وجہ سے ان گروپوں نے سید منظور حسین شاہ کو ان کے قافلے سمیت قتل کر دیا۔ دوستوں بتایا جاتا ہے کہ سید گروپ کی دشمنیاں اس کے بعد یکے بعد دیگرے بڑھتی ہی چلی گئیں۔ 1960 کی دہائی سے لے کر 2017 تک چلنے والی ان دشمنیوں میں سید گروپ آف کلے ون سیدہ اور ان کے مخالفین چار سے زائد گروپوں کے 250 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ یاد رہے کہ سید منظور حسین شاہ گجرات کے وہ مشہور سیاستدان تھے جنہیں مشرف دور میں جنرل پرویز مشرف نے خود اپنے پاس بلا کر گورنر آف پنجاب بنانے کی بھی آفر دی تھی، لیکن اس آفر کے کچھ عرصہ بعد ہی مخالفین کی طرف سے منظور حسین شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ بہت ہی عجیب سی ویڈیو تھی، لائک ان مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لائک اتنی چھوٹی سی بات پہ کون لڑتا ہے، اور ان کو میرے کو ایسا لگتا ہے ان کو اگر جو سعید ہے ان کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے تھا یہ بول کر کہ وہی نا جو مطلب ایسے کیشئر میرے پیسے کاؤنٹ کرتا ہے، تو وہ چیز غلط ہی، وہیں سے لڑائی سٹارٹ ہو گئی، پھر وہ ان کے گھر پر گئے، تو وہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ غلط ہی، اگر وہ کرتے نہیں نا اگنور کرتے تھے یا پھر وہ بولتے نہیں تو اتنا بڑا لڑائیاں ہوتی نہیں۔ پھر ان کا جو موٹیو تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ وہ بیسکلی غریبوں پر اتیاچار نہیں ہونے دے رہے تھے، پر آپ گورنمنٹ نہیں ہو، آپ مطلب بیسکلی آپ پولیس تو ہو نہیں نا، آپ ایسے کسی کو نہیں مار سکتے، تو وہ چیز ان کا غلط تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیسکلی ان کی نیت صاف تھی لیکن ان کی چیزیں وہ صاف نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ باقی اگر ویڈیو کی بات کریں تو ویڈیو سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ یار لائک ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے جھگڑوں کو اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ چیزیں نا انسیسٹر کے بیچ چلتی ہے اور وہ بہت کب بڑی ہو جائے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے۔ اگر ویڈیو کی بات کریں تو بہت زیادہ اچھی تھی اور ہم لوگوں کو یہی سمجھنا چاہیے، ہم لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے بیسیکلی۔ وہی، کیونکہ یہ بہت ڈینجرس بھی تھے اور ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف ایک رابن ہوڈ ٹائپ بھی تھے، ان کو تھا کہ وہ ان کا بھلا بھی کرنا ہے لیکن بہت ڈینجرس طریقے سے کرنا تھا۔ اور کیسے لائک ان کی موت بھی کیسے ہوئی، لائک ان کے سارے گن مین تھے جو بھی تھے سب لوگ ایک ساتھ مارے، لائک 10-15 لوگ ایک ساتھ مارے گئے اینڈ وہاں پہ 21 لوگوں نے ایک ساتھ مل کے ان کو گھیر کے مارا ہے، اس طریقے سے ان کے ساتھ کام کیا گیا۔ سو یہاں پہ بولتے ہیں نا لائک جیسے آپ کام کرو ویسا ہی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا ہے، اور وہی چیز ان کے ساتھ ہوا بیکاز انہوں نے بھی اپنے اس کے اندر، بیکاز ان کا اسٹارٹ کیسے ہوا، ایک بینک میں کیشئر ہی تھے اینڈ وہاں سے ان کو غصہ آیا تو جا کے لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد کیا 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 چیزیں ہوتی گئی۔ تو وہی کہتے ہیں کئی بار آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کر لینا چاہیے، اس سے بہت چیزیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ یہ چیزیں نہیں جانا تھی۔ 3 ایم این اے بھی بنے ہیں اینڈ بہت ساری پاور آ گئی تھی ان کے ہاتھ میں، اور کہیں نہ کہیں ایک گورنر بھی بننے والے تھے، لیکن لائف پوری چینج ہو گئی ان کی۔ اب ان کے ڈیروں کا کیا حال ہے اور ڈیرے کیا کام آتے ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو ایسے لائک کرتے جائیے، کمنٹ کرتے جائیے، شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔